सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नाल जुड़े सारे ही स्रोतियां दा। दोस्तों लाइव तुहाडे नाल रिजल्ट्स लैके ओपन वर्क परमिट स्टूडेंट वीज़ा दे रिजल्ट्स दिखाउण दा कारण बन जांदा दोस्तों कि रेगूलर जिहड़ियां क्वेरीज़ आउंदियां ने जिन्हां दे ओपन वर्क परमिट हाई कमीशन च पाए ने, डजंट मैटर कित्थों उहनां दा केस अपलाई होया तां, बट उह जदों इह दसदे ने कि जदों तुसीं लाइव हुंदे हो तां उत्थों इक हौसला इक आस दी किरण जागदी आ कि जे रेगूलर रिजल्ट्स आ रहे ने तां उहनां दा वी जल्द उन्होंने कोई चंगा मैसेज हाई कमिशन वालों आऊगा। सो एक रूटीन बन चुकी है कि रेगूलर जिमें जिमें ही रिजल्ट कट्ठे हो जाते हैं, मैं थोड़े नालों शेयर कर लेना, उदे नाल लोगों दी क्वेरीज मेरे तक पहुँच जांदियां ने, फिर मैं वो नैक्सट लाइव के कोशिश करता हूँ कि उन्होंने सवालों के जवाब दे दिया करा। पर आप पहला स्टार्ट करते हैं जी ओपन वर्क परमिट दियां 24 मार्च तो लैके हुण तक आईया हुई PPRs 23 PPRs मैनू मिलियां ने दोस्तों। पहली PPR आ जी बवनदीप सिंह होना जी, इन्हां दी जिहड़ा फाइल प्रोसैस होई सी जी 20th of Feb 2021 नूं, मैं इन्हां दी फाइल लॉन्च कीती सी पिछले साल फरवरी दे महीने, ते इन्हां दा मैडिकल 24 पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ 24 मार्च 2022 नूं हाई कमीशन ने मंग ली सी। तकरीबन 1 साल ते 1 महीने बाद इन्हां दा केस आ जिहड़ा डन हो गया दोस्तों। मैक्सिमम केसिस इन्ना ही टाइम लै रहे ने, 1 साल तो लैके 1.25 साल के इस वक्त जी मेरे तो टाइमलाइन वीज़ा लोग अक्सर पुछते होंगे कि सर की टाइमलाइन चल रही है, हाई कमीशन की टाइम लै रहा। इस वक्त जोड़े रिजल्ट आ रहे हैं वो जे ज़्यादा तादार देखी जाए, इक्का दुक्का रिजल्ट की गल नहीं करनी, जे ज़्यादा तादार देखी जाए तो वह पिछले साल के जुलाई महीने तक जिहड़ियां लगियां हुई फाइल्स ने उन्हां दे रिजल्ट आ रहे हैं। एंड तकरीबन 1.5 साल तो लैके 1.25 साल का समा हाई कमीशन केस नूं निपटाउण दे विच ला रही है, बट ये जिहड़ा समा है अज का दसण वाला आ, आने वाले दिनों दे विच यह समा एक टाइमलाइन होर घट जूगी जिमें जिमें केसां की गिणती हाई कमीशन दे विच जिमें जिमें इनवेंटरी की गिणती घटती जा रही है, उमें उमें जिमें जिमें पिछला बैकलॉग क्लीयर हो रहा उमें उमें जिहड़ा समा वह घटता जाऊगा। एंड मैनू ये लगता कि इस साल के ही सारे का सारा काम एक नॉर्मल रूटीन वर्क से दोबारा पड़ जूगा, तो उ फिर समा लग्या करूगा 2 to 1.25 महीने ओपन वर्क परमिट न एंड स्टूडेंट वीज़ा 40 to 45 दिन। एंड अगला जिहड़ा पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ जी प्रदीप सिंह होना दी आ, इन्हां दी फाइल लॉजमेंट डेट आ जी 28 दसंबर 2020, यानी कि 2020 दे 28 दसंबर की फाइल आ। तकरीबन 1.5 साल इन्होंने केस की वेट की आपदे दी, एक दो हाँ जी 1.5 साल के करीब इन्हों आपदे 20 to 21 to 22 चल पाया आ, तो इन्हों जे मैं देखा तो 24 मार्च में मैनू इन्हों की पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई है। अगला दोस्तों केस आ जी 24 मार्च नू जिहड़ी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई है जी गुरनैप सिंह होना दी आ, 20 नवंबर 2020 नू इन्हां दी फाइल हाई कमीशन दे विच गई सी, यानी कि नवंबर 2020 नू फाइल हाई कमीशन दे विच गई सी, ते 24 मार्च नू इन्हां दी पासपोर्ट रिक्वेस्ट साढ़े तक पहुँची आ। वरिंदर सिंह होना दी पासपोर्ट रिक्वेस्ट 24 मार्च नू ही आई है जी, 22 मार्च 2021 पिछले साल दी 22 मार्च नू इन्हां दी फाइल असी हाई कमीशन नूं भेजी सी, 1 साल ते 2 दिनों दे विच विच इन्हां दा केस हाई कमीशन ने डन करता। मार्च 25 नूं आकाशदीप सिंह हुणा दी रिक्वेस्ट पासपोर्ट रिक्वेस्ट मेरे कोल आई सी, ते इह केस पेंडिंग पिया सी 2 अक्तूबर 2020 दा, हाई कमीशन दे विच चल रहा सी। इन्हां दे कई वारी कुछ अडिशनल डॉक्यूमेंट्स जदों हाई कमीशन नूं रिक्वायर्ड हो जांदे आ तां उह फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हाई कमीशन को भेजने, हाई कमीशन ने डॉक्यूमेंट चेक करना, फिर उस तो बाद जी कुछ उन्होंने इंटरव्यू की लोड़ है या अगे उन्होंने डॉक्यूमेंट न रिलेटड कोई इनफॉरमेशन की लोड़ है तो वह मंगनी, फिर मैडिकल, फिर उस तो बाद PPR सारा कुछ होंदे होंदे समा कई बार लग जाता। मार्च 25 2020 जिहड़ी मेरे को PPR आई है जी वह अपनीत इंदर सिंह होना दी, एंड फाइल लॉजमेंट डेट आ जी 5 नवंबर 2020, यानी कि 5 नवंबर 2020 इन्हों की मैं फाइल लॉन्च की सी, एंड मार्च 25 2022 इन्हों का केस डन हो चुकिया, हाई कमीशन ने पासपोर्ट के उत्ते वीज़ा लाने के लिए इन्हों की पासपोर्ट मंग लिया। मार्च 25 ही मेरे को गुरप्रीत सिंह होना की PPR आई है जी 6 अक्तूबर 2021 पिछले साल अक्तूबर महीने का लग्या होया एक केस आ, 6 अक्तूबर 2021 हाई कमीशन से फाइल लॉज हुई सी, एंड इन्हां दी मार्च 25 2022 हाई कमीशन ने पासपोर्ट मंग लिया। तकरीबन 6 to 8 महीने के केस डन हो गया।
25 मार्च 2022 भुपिंदर सिंह हुणा दी मेरे तो PPR हाई कमिशन ने डिमांड की 28 जनवरी 2021 नूं इन्हां दी फाइल असीं हाई कमिशन दे विच भेजी सी। 25 मार्च नूं अमृत सिंह हुणा दी PPR हाई कमिशन ने डिमांड की है जी। 24 मई 2021 पिछले साल 24 तरीक 2021 नूं हाई कमिशन ने इन्हां दी फाइल असीं हाई कमिशन भेजी सी। 25 मार्च नूं ही सोमनाथ दी PPR हाई कमिशन ने मंगी है जी। 14 दसंबर 2020 हाई कमिशन असीं इन्हां दा केस भेजिया सी। मार्च 25 हरवीर सिंह हुणा दी PPR हाई कमिशन ने सानू भेजी है एंड नवंबर 2020 नूं असीं इन्हां दी फाइल हाई कमिशन भेजी सी। मार्च 26 नूं दोस्तों पवनदीप सिंह हुणा दी PPR आई है जी। 31 जुलाई 2021 असीं हाई कमिशन इन्हां दा केस भेजिया सी, यानी कि पिछले साल जुलाई दे महीने 31 तरीक नूं इन्हां दा हाई कमिशन केस भेजिया सी। हुण गल करदे जी 26 मार्च नूं जसकरनबीर सिंह हुणा दी PPR आई है जी। 7 जुलाई 2021 हाई कमिशन केस भेजिया सी, पिछले साल दी 7 जुलाई 2021 इन्हां दा हाई कमिशन केस भेजिया सी ते मार्च 26 2022 हाई कमिशन ने सानू इन्हां दी PPR दित्ती है जी। मार्च 28 वाले बच्चे है जी। हुण मार्च 28 गुरमीत सिंह हुणा दी PPR आई है जी ते सितंबर 2020 का केस आ दोस्तों, ये हले भी निकल रहे ने कुछ केस जिहड़े पुराने 2020 वाले पेंडिंग पए ने उन्हां दे केसिस दे भी रिजल्ट आ रहे ने। इन्हों का केस गुरमीत सिंह हुणा दा सितंबर 2020 मेरे को स्टैंप होके आया सी एंड सॉरी इन्हों का मैं हाई कमिशन केस भेजा सी ते पासपोर्ट स्टैंपिंग लई मार्च 28 2022 साढ़े तो मंग लिया। मार्च 28 रविंदर सिंह हुणा दा हाई कमिशन दे विच केस गया, इन्हां दा PPR आई है जी मार्च 28 एंड 23 अक्तूबर 2020 हाई कमिशन फाइल गई सी। मार्च 28 गुरजंट सिंह हुणा दी PPR आई है दोस्तों। 8 जुलाई 2021 पिछले साल दी जुलाई 8 इन्हां दा हाई कमिशन केस गया सी। मार्च 30 राजविंदर सिंह हुणा दी PPR आई है दोस्तों एंड 18 नवंबर 2020 हाई कमिशन केस गया सी इन्हां दा। मार्च 30 जगविंदर सिंह हुणा दी PPR आ जी। 17 मार्च 2021 इन्हां दी फाइल हाई कमिशन लॉज हुई है। मार्च 31 सतविंदर सिंह हुणा दी फाइल लॉजमेंट डेट आ जी 9 जनवरी 2021। हाई कमिशन ने 31 मार्च इन्हां दी PPR इन्हां दी यानी पासपोर्ट साढ़े तो मंग लिया। 31 मार्च विशाल कुमार दा PPR हाई कमिशन ने मंगी है जी। 20 फरवरी 2021 इन्हां दी फाइल हाई कमिशन गई सी। अप्रैल 1 भुपिंदरजीत सिंह हुणा दी फाइल दा PPR रिक्वेस्ट साढ़े कोल आई है जी। 31 मार्च 2021 इन्हां दी फाइल असीं हाई कमिशन भेजी सी। अप्रैल 1 लवप्रीत सिंह हुणा दी PPR साढ़े कोल आई है जी। 11 नवंबर 2020 असीं इन्हां दी फाइल हाई कमिशन भेजी सी। अप्रैल 1 2022 सुखप्रीत सिंह हुणा दी PPR साढ़े कोल आई है जी। 21 जुलाई 2021 हाई कमिशन इन्हां दी असीं फाइल भेजी सी। दोस्तों कल असीं सैटरडे संडे कोई PPR नहीं आईआं, Friday 1 तरीक तक सानू PPR आईया से, अज 4 तरीक आ, मंडे तो लैके अगले हफ्ते तक जिहड़ियां भी PPR होणगियां वह तकरीबन नैक्सट सैटरडे तक मैं तुहाडे नाल उन्हां दे रिजल्ट्स लैके तुहाडे रूबरू होऊंगा। एक क्लीयर कर देनी चाहुंदा छोटी जी चीज़, मैं पिछले लाइव दे विच भी दस्सिया सी दोस्तों, वीज़ा कहीए बच्चों का सिर्फ 2-2 दिन लई ही लग के आउंदा आ, उस विच घबराउण की कोई लोड़ नहीं है। आपके 2 दिन का जो वीज़ा है राइट आवे टिकट कराओ तो चले जाओ, उत्थे पहुँच के थोड़ा वीज़ा ऑफिसर तुहानू 3-4 दिन का वीज़ा होर इशू कर दिंदा ता जो तुसी आपका बैक टू स्टेटस आ सको, आपका अगे जाके आपका स्टेटस जिहड़े भी स्टेटस ते तुसी जाना आ उहनू अपलाई कर सको, हाई कमिशन दे विच फाइल आपकी लॉज कर सको दोबारा। सो घबराउण की कोई लोड़ नहीं है, कोई क्वेश्चनिंग नहीं तुहाडे तो की जाती ना दिल्ली एयरपोर्ट तो ना ही कैनेडा पीयरसन एयरपोर्ट या किसी भी CBSA के ऑफिसर वालों या किसी भी बॉर्डर के उत्ते किसी भी प्रोविंस के बॉर्डर के उत्ते कोई भी यहोजे सवाल नहीं पूछे जाते जिसे तो तुहानू पैनिक होने की लोड़ है। जे थोड़ा घट वीज़ा आया तकरीबन 10 बच्चे मेरे घट 1-1 दिन 2-2 दिन के वीज़े पर सी जिन्हों कोई सवाल नहीं पूछा गया, ईवन वीज़ा ऑफिसर ने 4-4, 5-5 दिन के उन्होंने वीज़ा होर उत्थे ही खड़े पैर इशू किए एंड उन्होंने कहा कि तुम आराम जाके आपकी फाइल में अगले स्टेटस के लिए लॉन्च कर दो। सो दोस्तों लास्ट जिहड़ियां PPRs ने इन्हें स्टूडेंट वीज़ा दियां 12 PPRs ने। लखवंत सिंह हुणा दी 24 मार्च PPR आई है जी। 13-1 इन्हां दी फाइल लगी सी।
मार्च 24 नवप्रीत सिंह हां दी पीपीआर आई है जी, 14-1 इन्हां दी फाइल लगी सी। मार्च 24 पलवप्रीत सिंह होना दी पीपीआर आई है जी, 13-1-22 इन्हां दी फाइल लगी सी। दोस्तों मार्च 27 अमनप्रीत कौर दी पीपीआर आई है जी, 15 January 2022 इन्हां दी फाइल लगी सी। मार्च 25 सिमरनप्रीत कौर दी पीपीआर आई है जी, 15 January 2022 इन्हां दी फाइल असीं हाई कमीशन भेजी सी जी। मार्च 25 2022 अर्शदीप सिंह दी पीपीआर साडे कोल आई आ, 7 January 2022 असीं इन्हां दी फाइल स्टूडेंट वीज़ा मे सैशन लई हाई कमीशन भेजी सी। इह सारे मे सैशन वाले बच्चे आ, इन्ना ध्यान रखियो। मार्च 29 हरमन दी साडे कोल पीपीआर आई है जी, एंड इन्हां दी फाइल लॉजमेंट डेट आ जी 19-1-2022। मार्च 31 रमनजोत दी साडे कोल पीपीआर आई सी, 12-2-2022 असीं फाइल हाई कमीशन इन्हां दी लॉजमेंट कीती सी, एंड इन्हां दी पीपीआर मे सैशन दे लई पासपोर्ट दे उत्ते स्टिकर वीज़ा प्रिंट करन दे लई हाई कमीशन ने साडे तों डिमांड कर लिया जी। मार्च 31 गगनप्रीत दी पीपीआर आई है दोस्तों, एंड इन्हां दी जिहड़ी लॉजमेंट डेट आ उह 20 January 2022 सी। 31 मार्च ही सुखप्रीत कौर दी पीपीआर आई है जी, यह 24 January 2022 असीं इन्हां दी फाइल हाई कमीशन भेजी सी। मार्च 31 2022 रवनीत कौर की पी पी आर आई है जी, फाइल लॉजमेंट डेट है जी 20 January 2022। April 1 2022 जसवीर कौर की फाइल हाई कमीशन गई सी। अप्रैल वाले रिजल्ट भी हाई कमीशन ने नाल दी नाल चक लेने, बट बहुत रैंडम ने यह रिजल्ट्स, ज़्यादा जो रिजल्ट्स ने जैन फैब ते मार्च वाले ही कैंडीडेट्स दे आ रहे हैं। मैक्सिमम रिजल्ट जैन ते फैब जिन्हां दीआं फाइल लॉजमेंट्स होईआं सी उन्हां दे ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं, पर एक रिजल्ट 1 अप्रैल उस जसवीर कौर का आया जिन्हां दी 21 January 2022 असीं फाइल हाई कमीशन दे विच लॉज की सी। सो असीं कह सकते हैं कि 1 अप्रैल तक जिहड़े जिहड़े भी रिजल्ट आए ने वो सारे उन्हां दे ने जिन्हां दी जनवरी ते फरवरी दे विच जिन्हां दी फाइल्स हाई कमीशन गईआं सी। 8 मैडिकल ने दोस्तों, ये उन्हां बच्चों के 8 मैडिकल ने जिहड़े बच्चों के मैडिकल ओपन वर्क परमिट के लिए हाई कमीशन ने मैडिकल मंगे ने साडे तों, ये ऑलमोस्ट 98% तुहाडा वीज़ा डन हो जाता। मैडिकल कराने तो बाद हाई कमीशन तुहानू पीपीआर रिक्वेस्ट सेंड कर दिंदा, ते 16 PPRs यह विजिटर वीज़ाज़ दियां ने। सो कैनेडा नाल संबंधित जिन्ने भी केस ने अंडर द वन रूफ कैनेडियन हाई कमीशन रिलेटड किसी भी चीज़ की क्वेरी है तुहाडी, जो तुहाडी पूरे पंजाब दे विचों टोटल कैनेडा दे विचों सारे ICCRC मैंबरस नूं मिल के भी क्लीयर नहीं हुई तो तुसीं साडे तों पुछ सकते हो, एक्सपर्ट्स नाल गल कर सकते हो। बट प्रॉब्लम यह है बहुत ज़्यादा कॉल्स ते बहुत ज़्यादा लोगों ने मिलन आने करके थोड़ा जिहा अपॉइंटमेंट सिस्टम जरूर रख्या होया कि जदों भी आओ अपॉइंटमेंट लेके आओ तां जो समा एग्जैक्ट दे सकी असी, क्योंकि जो तुम दूरों चल के आने, बट बिना अपॉइंटमेंट ले आने ऑलरेडी जिन्होंने अपॉइंटमेंट्स लिया होंदिया वो टाइम बहुत उस दिन फिर कंज्यूम हो जाता सारा ही ऑलमोस्ट, क्योंकि इमीग्रेशन का काम ही यह जहा है तुम किसी पर्टिकुलरली ड्यूरेशन नहीं दे सकते कि तुहाडे 10 मिनट लगनगे या तुहाडे ते 20 मिनट लगनगे, किसी के 5 मिनट स्कोर ही क्लीयर हो जाती है, किसी 1/2 घंटा भी लग जाता। सो दोस्तों कोशिश करया करो जदों भी तुसी कोई सवाल पूछना हुंदा तां एक चल के आया करो रीज़न बिहाइंड ऑन फोन। साडा जिहड़ा कॉलिंग डिपार्टमेंट आ उह इन्ना एक्सपर्ट नहीं कि तुहाडियां सारियां गल्लां नूं उह क्लीयर कर सके, क्योंकि जिहड़ी कॉलिंग डिपार्टमेंट की टीम आ उन्हां दा मैक्सिमम वड्डा काम यह हुंदा कि साडी एक्सपर्ट टीम तक मैसेज कन्वे करना, तुहाडे तक जे कोई तुहानूं दिक्कत आ रही आ ऑफिस लभण दे विच अपॉइंटमेंट्स चक्कण दे विच तां उत्थे अपॉइंटमेंट ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀਆਂ। ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਰਨਿੰਗ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਕਲੀਅਰ ਦੇਖੋ ਕਾਲਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਬਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਰਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਕਨਵੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੱਕਾਂ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦ ਅਗਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਲੈ ਕੇ, ਐਂਡ ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ।